नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में जमीनी विवाद को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रही सही कसर पुलिस की लचर व्यवस्था ने पूरी कर दी। भूमि विवाद के ही एक मामले को लेकर बरदा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर बरदा पुलिस की मौजूदगी में विपक्षियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया। बावजूद इसके पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई के बजाय मामले को घुमाने का प्रयास कर रही है। पीड़ित महिलाओं ने थाने के पुलिसकर्मी और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची बरदा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव निवासी शीतला देवी और उनके परिजनों का आरोप है कि उनका गाँव के ही कुछ लोगों के साथ भूमि को लेकर विवाद है। 22 मई को विपक्षी शिवाश्रय, राधेश्याम, रमाकांत, उमाकांत, मंगला, घनश्याम आदि ने मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच 7 जुलाई को आरोपी विपक्षियों ने उनके घर में घुसकर परिवारजनों को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक उनके परिवार के सदस्य घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती, न तो उनके घायल परिजनों का मेडिकल कराया और न ही कोई मुकदमा लिखा। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि ताजा मामले में ठेकमा पुलिस चौकी के दीवान पवन दुबे व जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में विपक्षियों ने उनको और उनके परिजनों को जमकर मार पीटा, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। पीड़िता और उसके परिजनों ने आशंका व्यक्त की कि पुलिस चौकी ठेकमा के दोनों पुलिसकर्मी विपक्षियों से मिले हुए हैं और उनके परिजनों की हत्या भी की जा सकती है। उन्होंने पुलिसकर्मियों की भूमिका और विपक्षियों पर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सर, हम लोग पुलिस चौकी पर दरखास्त छोड़े थे, दो कांस्टेबल आए थे। हुआ क्या था जो दरखास्त देने गए थे? सर, वो लोग खूंटा उखाड़ के फेंक दिए थे, इसीलिए हम लोग दरखास्त छोड़े थे। किस बात का खूंटा गड़ रहा था वहाँ पे? सर, हमारा सहानुभूति था, उस पर हम लोग खूंटा गाड़ के भैंस बांधते थे सर। हाँ। इसी के विवाद में हम लोग को सब लोग घसीट घसीट कर घिस घिस कर घर में से मारने लग गए। तो खूंटा तुम लोग खुद से गाड़ रहे थे कि कोई गया था गड़वाने? वो पहले से सर, वो 5-6 महीने पहले से एसओ साहब और चौकी इंचार्ज साहब गड़वा के गए थे। वो लोग जबरदस्ती उखाड़ के फेंक दिए और फिर हम लोग वो पुलिस वालों को रहते हुए हम लोग गाड़ रहे थे, हम लोग को जबरदस्ती घींच कर घर में से मारना चालू कर दिया, पीटना चालू कर दिया। तो पुलिस वहाँ पे थी तो कुछ नहीं की? पुलिस क्या कर रही थी, बचाव के लिए लगी थी, पुलिस कुछ कर नहीं पाई। तो उन लोग को पकड़ी नहीं पुलिस पे? नहीं सर, उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी नहीं की, पकड़े भी। उन लोगों को पहले से ऊपर मुकदमा दर्ज भी है, फिर भी वो लोग सबको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं सर। अच्छा, आज यहाँ एसपी साहब के आए तो क्या हुआ? सर, एसपी साहब के हम आए हैं सर, वो वीडियो दिखाएं, बोले चलिए ठीक है, आपकी सुनवाई होगी और अब बोले आप जाइए। ये लड़का के पकड़ के लोग खूब अपने आप बल भर एकदम मुक्का लातर शिवाश्रय और दीपक, घनश्याम, जहेन, नरिंदर, कुल हमारे वही नहीं के घर का परिवार सब है। के करे घर शिवाश्रय के कहाँ हम तो पटीदार हो? हाँ। अच्छा, फिर यहाँ आज एसपी साहब के अला, तो एसपी साहब क्या कहना आप लोग से? हम बोल लिए सब कुछ ना कहना, खाली जो हम रहा दो चार बात कहानी बतौली है, कपड़ा लत्ता कुल मार मार के फाड़ देना वह बतौली है, एक बात वो कुछ ना। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।